Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. And in today's video, we're going to be trying out all sorts of Indian dishes jo London mein milti hai. There's an area called Wembley, which is known to be like Indian dominant, jahan pe bahut sare Indian joints hai jo authentic aur cheap price mein Indian food sell karte hai. So I'm really excited. I've been there for once, jahan pe jaake maine bahut acha samosa and all try out kiye the. But this time we're going to be trying more dishes, and I'm super excited. We're going to the Ealing Road in Wembley. And वहाँ पे बहुत सारे इंडियन जॉइंट्स हैं एंड आई एम सो एक्साइटेड. इट्स 12 PM राइट नाउ एंड मैं अभी अपने घर से निकल रही हूँ. मेरे घर से कुछ एक घंटा लगता है बस में टिल वेम्बली. लेट्स गो. हाय गाइस, तो मैं अभी निकली हूँ घर से एंड वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा है. इट्स 8 और 9 degrees एंड काफ़ी अच्छा फील हो रहा है ऑनेस्टली. मतलब वो जो ठंड के जो एक पीरियड था उसमें तो बाहर निकलना मुश्किल था. लिटरली यू कैन नॉट स्टेप आउट एट ऑल. बट ये वेदर में काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे. थोड़ा सा कवर ओवर भी करके आई हूँ तो मुझे और वार्म फील हो रहा है. प्लस इट्स नॉट रेनिंग लकीली, नहीं तो बहुत दिन से बारिश हो रही काफ़ी ज़ोरों से. आज क्लाउडी है बट इट्स नॉट रेनिंग एंड थोड़ा बीच बीच में सनलाइट भी आ रहा है तो बेस्ट वेदर. एंड दिस इज़ माई नेबरहुड बाय द वे, विच इज़ क्लीन अ सेफ नेबरहुड. ऑनेस्टली सेफ फील होता है और क्या ही चाहिए. दिस इज़ नॉर्थ लंडन बाय द वे. सो द फर्स्ट डेस्टिनेशन इज़ अमूल्स वड़ा पाव प्योर वेजिटेरियन. ये स्ट्रीट पे मोस्ट ऑफ द शॉप्स वेर वेजिटेरियन फॉर सम रीज़न. दे हैड ऑलमोस्ट एवरी स्ट्रीट फूड एंड काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में. फुल वॉल्यूम पे हिंदी सॉन्ग्स बज रहे थे एंड इनके एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा था. लाइक हमारे इंडिया जैसे ही लग रहा था मुझे. सो आई ऑर्डर्ड बटर ग्रिल्ड वड़ा पाव विच वॉज 1.75 pounds एंड 1 मिसल पाव विच वॉज 5 pounds एंड 1 समोसा चाट फॉर 4 pounds. तो फर्स्ट केम इन द वड़ा पाव एंड मुझे वड़ा पाव देख के थोड़ा सा वियर्ड लग रहा था बिकॉज इतनी सारी इमली की चटनी तो मैंने कहीं नहीं देखी है ऐड करते हुए. एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि इन लोग ने एक फ्राइड मिर्ची दी थी जो मेरे एब्सोल्यूट फेवरेट होती है वड़ा पाव के साथ. सेकंड डिश वाज मिसल पाव. मिसल पाव वैसे मुझे कुछ खास पसंद नहीं है बट क्योंकि मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया था तो आई थॉट ट्राई कर लेते हैं. एंड ट्रस्ट मी दिस केम आउट टू बी वन ऑफ द बेस्ट डिशेज आई ट्राइड दिस डे. आई मस्ट से कि मिसल इनका इतना स्पाइसी और फ्लेवरफुल था मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. नेक्स्ट डिश इज़ समोसा चाट. समोसा चाट ऐसे मुझे बहुत पसंद है एंड यहाँ का समोसा चाट का मुझे समोसा काफ़ी अच्छा लगा. उसकी फिलिंग ऑथेंटिक हमारे पोटैटो एंड पीस वाली थी. ऑल्दो मैंने इसमें थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर मिस किया तो मुझे लग रहा था थोड़ा सा इमली चटनी जो वड़ा पाव में ज़्यादा थी इसमें होती तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता. बट ओवरऑल इट वॉज़ अ यम्मी यम्मी डिश. काफ़ी बढ़िया था. बहुत ही ज़्यादा रेसिमलेंस था इंडियन फूड से. माय पर्सनल फेवरेट वाज मिसल पाव. मिसल पाव मुझे इतना पसंद नहीं है बट एक्चुअली इतना स्पाइसी था मिसल तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. प्लस द समोसा चाट. मुझे वड़ा पाव इतना अच्छा नहीं लगा बिकॉज उसमें वो स्वीट चटनी थी जो मतलब जम नहीं रही थी. मुझे बाकी वॉज नाइस. अकॉर्डिंग टू द प्राइस इट वॉज एक्चुअली क्वाइट नाइस. Final review and scores would be 8.5 for taste and 9.5 for value for money. As I mentioned before, ये पूरा area इतना ज़्यादा Indian है. Temple भी था यहाँ पे and plus इतने सारे shops मैंने देखे वो boutiques जहाँ पे saris, you know, different type के dresses, kurtas, इतनी सारी चीज़ें, ज्वेलरी सब कुछ सेल हो रहा था. मुझे तो लग रहा था मैं पता नहीं कहाँ इंडिया में ही आ गई हूँ शायद. There were so many Indian stores. हम लोग 2 store में गए and let me show you. यहाँ पर 75p का कुरकुरे, बालाजी पैकेट, लेस पैकेट सब कुछ मिल रहा था and these are some snacks and everything. यहाँ पर A to Z सब चीज़ें, हर टाइप का मसाला, इतने सारे मसालों की वैरायटी थी. इतने तो मैंने ऑनेस्टली कभी इंडिया में ऑब्जर्व नहीं किया जितना मैं यहाँ पर आके ऑब्जर्व कर रही हूँ. दूसरे इंडिया पे आ गई हूँ ऐसा लग रहा है लिटरली. दिस वॉज द अदर इंडियन स्टोर. यहाँ पे होल सेल में आटा वगैरह सब मिल रहा था. ब्रोकन राइस 20 kg 11.99 pounds का. ये स्टोर का नाम VB Sons है. एंड यहाँ पे एक यूनिक चीज़ ये थी कि यहाँ पे होममेड अचार थे और इतने सारे वैरायटी के अचार थे. नेक्स्ट अप हम गए जलाराम स्वीट मार्ट में. ये शॉप बेसिकली स्नैक्स एंड स्वीट्स के लिए थी.
एंड एक्चुअली यहाँ पे घुसने का रीज़न ही एक था कि उनने एडवर्टाइज़ करके रखा था पानीपुरी फॉर 1 pound एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई कि 1 pound की पानीपुरी कैसी होगी. फॉर द प्राइज़ आई थिंक इट वॉज क्वाइट नाइस. 1 pound में 6 piece पानीपुरी इज़ नॉट बैड एट ऑल. फाइनल रिव्यू एंड स्कोर्स वुड बी 8 फॉर टेस्ट एंड 9.5 फॉर वैल्यू फॉर मनी. नाउ इन वेम्बली देर इज़ अ प्लेस कॉल्ड ट्रेडर वेम्बली. ये बेसिकली एक फूड कोर्ट जैसा है. यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे एंड ऊपर जाके हमें इतने सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स मिले. लेट मी शो यू ऑल ऑफ देम. डोसा स्ट्रीट, श्री कृष्ण वड़ा पाव, वेजिटेरियन स्ट्रीट फूड. प्लस बहुत ही ज़्यादा मस्त वाइब, हिंदी म्यूजिक लगा हुआ था एंड हीटर वगैरह सब चालू था. देन देर वॉज ऑल्सो चांदनी चौक. आई अज्यूम यहाँ पे नॉर्थ इंडियन फूड मिलता होगा दिल्ली का. Then there was cheese and crust, I assume Italian food, and then Mumbai fusion. This is Indo-Chinese, my absolute favorite. Nepalese cuisine, this is also one of my favorite cuisines. Next was Habibi, I assume this is Lebanese cuisine, again one of the delicious cuisines. Then Turban Streets, they had amazing kathi rolls. Then last but not the least, Mr. Chow, again I assume this is Chinese food. We chose to try Mumbai Fusion, which was Chinese outlet. It's thali. Either you can have any rice or noodles. You will have a Manchurian, spring rolls. It comes with dumplings and it comes with few chili sauces. If you are not that hungry, try my combos. Mm. So with combo one, you can have any akka noodles or any rice. It comes with spring roll and you can choose Chinese dumpling. With combo two, any rice or noodles, Manchurian balls, and it comes with spring roll. Plus a free water bottle anyways. Okay. For the starters, we tried veg Manchurian, which was for 7-8 pound, I don't exactly remember. इसकी बेस्ट चीज़ थी इसकी ग्रेवी. इतनी बढ़िया थी ग्रेवी, इतना अच्छा गार्लिक एंड स्प्रिंग ऑनियन का टेस्ट आ रहा था. द बेस्ट थिंग अबाउट मुंबई फ्यूजन वॉज द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द ओनर. ही वॉज प्रेजेंट एट द टाइम वी वेंट एंड ही वॉज सो स्वीट एंड सो नाइस टू अस. नेक्स्ट वी ट्राइड द फ्यूजन कॉम्बो बॉक्स विच वॉज 8.99 pounds एंड मुझे इन लोग का जो कॉन्सेप्ट था कॉम्बो का वो बहुत अच्छा लगा. मतलब सब लोग के लिए हर टाइप के कॉम्बो है. अगर आपकी एपेटाइट कम है, ज़्यादा है, तो आप दो चीज़ों में सेलेक्ट कर सकते हो, चाइनीज थाली एंड फ्यूजन कॉम्बो बॉक्स प्लेटर. आप अपना खुद का वोक भी बना सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दिस दे हैड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंडो चाइनीज डिशेज. आवाज़ से पता चल रहा होगा स्प्रिंग रोल्स बहुत ज़्यादा क्रिस्पी थे. शेजवान राइस ऑनेस्टली मेरा लीस्ट फेवरेट था. मतलब मुझे इतना अच्छा नहीं लगा. ऑल्दो द मसाला एंड एवरीथिंग वाज नाइस, आई थिंक द राइस वेर नॉट कुक्ड प्रॉपरली. लेट्स ट्राई द चाइनीज डम्पलिंग्स. इसका फिलिंग देखो, इसका फिलिंग वेजिटेबल एंड आई थिंक चीज़ था इसमें थोड़ा सा एंड ऊपर शेजवान चटनी से इसको टॉस किया था. अच्छा था ये, ओके ओके लगा मुझे. फाइनल रिव्यू एंड स्कोर्स वुड बी 7 फॉर टेस्ट एंड 7 फॉर वैल्यू फॉर मनी. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड अगर आप और फूड व्लॉग्स देखना चाहते हो सो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन एंड आई मेक मोर फूड व्लॉग्स फॉर यू. एंड आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर.